22 मई को रिलीज होने जा रही है सलमान खान की फिल्म राधे। जी हाँ, 20 दिसंबर दबंग 3 के बाद एक बार फिर से सलमान खान नजर आने जा रहे हैं पुलिस की वर्दी पहने हुए फिल्म राधे में। जब से फिल्म राधे की रिलीजिंग डेट इसकी अनाउंसमेंट की गई है, जब से राधे फिल्म को लेकर काफी यहाँ बातें सामने आ रही हैं। पहले ये कहा गया कि वॉन्टेड का ही ये दूसरा हिस्सा होने जा रहा है, उसी तरह इस फिल्म को बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब ये कंफर्म हुआ कि नहीं, वांटेड से इस फिल्म का कोई भी नहीं होगा यहाँ पर लेना देना, यानी कि कहानी कोई हद तक सिमिलर नहीं होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर फैंस अब शुरू हो चुके हैं कि यहाँ दबंग 3 में भी पुलिस वाला, तो वहीं यहाँ राधे में भी पुलिस वाला। इसमें अब दोनों जगह पुलिस वाले बन रहे हैं सलमान खान, तो क्या होगी सिमिलैरिटी, या फिर हो सकता है कि दोनों ही काफी हद तक सेम हो। लेकिन बता दें आप सभी को कि चुलबुल पांडे जो इंस्पेक्टर है और जो राधे इंस्पेक्टर है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही हटकर है। यहां पर ये चुलबुल पांडे अपने इमोशन के साथ और अपने एग्रेशन के साथ साथ फैमिली को लेकर आगे चलता है, तो वहीं दूसरी ओर राधे यहां पर सफाया करता है गुंडों का, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। और ऐसे में दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा हटके हैं। बात की जाए अगर दबंग 3 की, तो 20th को रिलीज हुई दबंग 3 दर्शकों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई है और हर कोई इसे बहुत ही ज्यादा प्यार हमेशा की तरह दे रहा है। लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ फिल्म राधे का, जो कि रिलीज हो रही है साल 2020 ईद के मौके पर, यानी कि 22 मई को। 22 मई को राधे फिल्म के साथ यहां पर आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। जहां पर पहले क्लैश की बात करते हैं, और ये क्लैश होने वाला है लक्ष्मी बॉम्ब के साथ, जो कि अक्षय कुमार की मोटिवेटेड फिल्म्स में से एक रही है। तो वहीं राधे फिल्म की अगर बात की जाए तो फिल्म के अंदर आप सभी को नजर आने वाली है एक बार फिर से दिशा पाटनी, जो नजर आ चुकी है सलमान खान के साथ। उनकी फिल्म भारत में भले ही छोटा किरदार हो, लेकिन जोड़ी को पसंद किया गया, जिस वजह से एक बार फिर से ही आ चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो वहीं फिल्म के डायरेक्टर हैं यहाँ प्रभु देवा, और प्रभु देवा को इस फिल्म को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सलमान खान ने इस वजह से दी है क्योंकि प्रभु देवा बहुत जल्द और अच्छा काम करते हैं और उनके पास समय बहुत ही ज्यादा कम था राधे को बनाने का। इसी वजह से प्रभु देवा को डायरेक्शन की जिम्मेदारी फिर से दे दी। जहां पर यहां लोग फिर से ये बात कर रहे हैं कि प्रभु देवा दबंग 3 और राधे दोनों को ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं उनके डायरेक्शन में यहां पर फर्क दिखे ही ना, ऐसा ना हो। और वहीं दूसरी ओर राधे और राधिका की, यानी कि सलमान और दिशा की, इस कहानी में आप सभी को विलन के तौर पर नजर आने वाले हैं रणदीप हुड्डा, जिन्हें विलन के किरदार में देखने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं फिल्म के अंदर आप सभी को जरीना वहाब नजर आएंगी सलमान की मां के किरदार में, और साथ ही साथ नजर आएंगे आप सभी को जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म के अंदर। इंतजार है तो इस पूरे के स्टार कास्ट को एक साथ देखने का फिल्म राधे में, जहां पर इन सभी के किरदार बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। जैकलीन फर्नांडिस भी इस फिल्म के अंदर आप सभी को नजर आएंगी, लेकिन एक आइटम सॉन्ग में। और 22 मई को रिलीज होने वाली फिल्म राधे से एक महीने पहले ही आ जाएगा इस फिल्म का ट्रेलर सामने, लेकिन उससे लगभग एक महीने पहले आप सभी को इस फिल्म के पोस्टर भी नजर आ जाएंगे। इंतजार है पोस्टर, टीजर और ट्रेलर को देखने का। आप कितने एक्साइटेड हैं राधे को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।